हाय दोस्तों, मेरे नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं रिव्यू लवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेज़न का एको डॉट 4 जनरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न एको डॉट 4 जनरेशन अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये देखिए, ये कितना मस्त हाथ में फिट होता है। इसका स्पीकर का साइड जो है वो लाइट ब्लू दिया गया है और बैक साइड एक डार्क ब्लू का प्लास्टिक दिया है जिसमें दो सॉकेट्स हैं, एक पावर वाला सॉकेट, एक ऑक्स आउट वाला सॉकेट। ऊपर चार बटन्स हैं, वॉइस इंक्रीज वाला बटन, वॉइस डिक्रीज वाला बटन, म्यूक ऑन ऑफ, माइक ऑन ऑफ बटन या सेटअप या स्टार्ट बटन। ये हाथ में मस्त से फिट होता है और बड़ा सुंदर दिखता है। ये इसके नीचे एक लाइट दिया गया है, ये टीवी स्टैंड पे या आपके डेस्क पे मस्त कमाल का इफेक्ट देता है। अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। एको डॉट कैसा है सुनने में, आप ही सुनिए। अलेक्सा, प्ले दिलबर दिलबर। दिलबर बाय नेहा कक्कर, ध्वनि भानुशाली, इक्का फ्रॉम हंगामा म्यूजिक। स्टॉप। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है और साउंड क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर है। इसका बेस अच्छा है पर और अच्छा हो सकता था, पर अगर आप 3200 रुपए का प्राइस पॉइंट को देखते हैं तो ये एक पूरा पैसा वसूल है। और अगर आप प्रीवियस जनरेशंस के एको डॉट के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत आगे निकल चुका है साउंड क्वालिटी या साउंड क्लैरिटी में। ये एक कमाल का स्पीकर है आपके बेड साइड के लिए, आपके ऑफिस डेस्क के लिए या आपके किचन शेल्फ के लिए। एको डॉट एक एलसीडी क्लॉक के साथ भी आता है, पर उसके लिए आपको 1000 ज्यादा पे करना पड़ता है। एको डॉट तीन कलर्स में आता है, एक ब्लैक, एक लाइट ब्लू और वाइट में। मेरे ख्याल से ब्लैक उतना खास नहीं है, मुझे वाइट और लाइट ब्लू बहुत पसंद आया। और वाइट कलर में एक प्रॉब्लम है कि वो जल्दी गंदा हो जाता है और जब आप बटन्स को प्रेस करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स कैच होता है वाइट कलर में। तो मेरे ख्याल में या मेरे ओपिनियन में वाइट लाइट ब्लू सबसे अच्छा कलर है। अब बात करते हैं इसको कैसे सेटअप करते हैं। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखिए जब तक ये लाइट ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद अपने मोबाइल पे अलेक्सा ऐप को स्टार्ट करके उस पे ऐड डिवाइस करके आप इसका सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेटअप करना मुश्किल हो रहा है तो मैंने इस पे एक और वीडियो बनाया है जिसपे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि सेटअप कैसे करते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अब आते हैं इसके वर्किंग पे। अगर आप एको डॉट पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको दो बात जाननी है। पहली बात, इसको चलाने के लिए हमेशा एक डायरेक्ट पावर सप्लाई की जरूरत होता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं आता है। और दूसरी बात, इस पे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है और आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट करके भी गाने प्ले कर सकते हैं। एको डॉट में 1.6 इंच का स्पीकर है जो ऊपर साउंड भेजता है। इसको आप इंग्लिश या हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। एको डॉट बहुत से गाने स्ट्रीम करने वाले ऐप्स को सपोर्ट करता है जैसे कि अमेज़न म्यूजिक, स्पॉटिफाई और बहुत सारे। ये सब आप अपने मोबाइल पे अलेक्सा को डाउनलोड करके, अलेक्सा ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। एको डॉट पे आप सिर्फ गाने ही नहीं पर बाकी चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट से न्यूज पूछ सकते हैं, आपके नगर का हवा तापमान पूछ सकते हैं, आपके काम के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं
और आपके घर का बाकी स्मार्ट डिवाइसेस जो है जैसे कि लाइट बल्ब, स्मार्ट एसी को कंट्रोल या ऑन ऑफ करने पे भी यूज कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने वॉइस कमेंट से। एको डॉट अलेक्सा नाम पुकारने से स्टार्ट होता है, पर आप इसको चेंज कर सकते हैं अलेक्सा ऐप में। अलेक्सा ऐप में जाकर इसका नाम आप बदल कर अमेजॉन एको या कंप्यूटर पे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। एको डॉट 4 जनरेशन यूज करने में बहुत ही आसान है। इसको आपके घर में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका साउंड क्वालिटी और स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स को नजर रखते हैं तो 3200 रुपए में ये एक जबरदस्त डील है। और अगर आपके पास एक स्मार्ट स्पीकर नहीं है तो एको डॉट 4 जनरेशन आपका पहली चॉइस होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।